स्टूडेंट्स वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोइम ए रोड साइड स्टैंड के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जो बुक में दिए हुए हैं उनके हम सिर्फ आंसर्स लिखेंगे। इसमें फाइव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सिटी फोक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड hardly paid any heed to the roadside stand or to the people who ran it. If at all they did, it was to complain. Which lines bring this out? What was their complaint about? क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा कि शहर के लोग जो रोड साइड स्टैंड के पास से गुजरते हैं वो वहां पर रुकते नहीं हैं, क्यों? उनकी क्या कंप्लेन है, क्या शिकायत है, उस शिकायत के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें वो लाइंस बतानी है कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं, दीज लाइंस आर एट हैविंग द लैंडस्केप मैं बीच में छोड़ रहा हूं, आप लाइन को कंप्लीट कर लेना। आर्टलेस पेंट सेकेंड लाइन है, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न और फिर बीच के वर्ड छोड़ रहा हूं मैं, एस टर्न रॉन्ग। ये इसमें हमने दो लाइन लिख दी हैं, टू सेंटेंसेस आर रिटन हियर। नेक्स्ट लिखो, देयर कंप्लेंट वॉज दैट the villagers had spoiled the natural scenery with artless paint. ये इसमें पूछा गया कि वो क्यों नाराज हो जाते थे, शहरी लोग ग्रामीण क्षेत्र के उस स्टैंड पर नहीं रुकते थे तो, और उनकी क्या शिकायत होती थी। वो फ्रेजेस बताने हमें, वो सेंटेंसेस तो एट हैविंग वाला हो गया, ऑफ साइंस वाला हो गया, और उनकी कंप्लेंट ये होती थी कि वे विलेजर्स जो थे वो हैड स्पॉइल्ड बिगाड़ देते थे द नेचुरल सीनरी, उस प्राकृतिक सीनरी को विद आर्टलेस पेंट भद्दा पेंट करते हुए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्ली होता है विनती, क्या विनती थी ऑफ द फोक उन लोगों की हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जिन्होंने रोड साइड स्टैंड चला रखा था, बना रखा था, उनकी क्या विनती थी कि कुछ लोग वहाँ पे आए, उनकी गाड़ियाँ रुके, वो उनसे कुछ सामान खरीदें ताकि वो अपने लाइफ को बेटर बना सकें, यही उनकी विनती थी। लिख लो आप इसमें, द पीपल हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, द पीपल हु हैड पुट अप
द रोड साइड, रोड साइड स्टेंड। प्लीडेड फॉर द कस्टमर्स, pleaded for the customers to stop at their stand कि वे रुके उनके स्टैंड पे। They wished them to buy something from their stand कि वे कुछ खरीदे उनके स्टैंड से। सो दैट दे मेक देयर लाइफ बेटर, सो दैट दे मेक देयर लाइफ बेटर। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल बट एक्चुअली डू देम नो गुड। पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट द पोइट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट और एजेंसी, सरकारी एजेंसी उनके अच्छे के लिए बात करती हैं लेकिन वास्तव में वो ऐसा करती नहीं है। वो फ्रेजेज बताइए, वो लाइंस बताइए जो पोइम में आई हैं ऐसा बताने वाली। लिख लो, दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेज आर, दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेज, दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेज आर। नंबर वन, ग्रेडी गुड डूअर्स, greedy good। नंबर टू, beneficent beast of prey। नंबर थ्री, सूद देम आउट ऑफ देयर वीड्स, देम आउट ऑफ देयर वीड्स। और नंबर फोर, पिटीफुल किन आर टू बी बोट, pitiful kin are to be bought। out ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर जो बुक में दिया हुआ है उसका आंसर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव और कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, वो भी साथ साथ करेंगे और उनके क्वेश्चंस भी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर जो बुक में दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वेन। ऐसी कौन सी बचकानी इच्छा है जिसकी कवि उम्मीद करता है और ये व्यर्थ क्यों है। वो बचकानी कौन सी इच्छा है, बचकानी इच्छा कवि की यही है कि वो वहां पे शहरी लोग आए, रुकें और कुछ सामान वहां से खरीदें, लेकिन ये व्यर्थ इसीलिए है कि कोई वहां पे नहीं आता है और ना ही कोई चीज वहां से खरीदता है, इसलिए ये व्यर्थ में है। लिखो आंसर आप। द पोइट थिंक्स दैट द पीपल, द पोइट थिंक्स दैट द पीपल पीपल who are running the roadside stand are suffering much। They wait for the customers। Customers to buy something from their stand। It is in vain because nobody stops there। वहां पर कोई नहीं रुकता, इसलिए ये व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच लाइन्स टेल अस अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोइट फील्स एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर। प्लाइट दयनीय स्थिति। ऐसी कौन सी लाइन है जिन के माध्यम से कवि ग्रामीण लोगों की दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहा है पोइम में, वो बतानी है। दीज लाइन्स आर बुक की लाइन्स है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप कंप्लीट कर लेना बुक से। फर्स्ट टू लाइन्स, समटाइम्स आई फील ये सेंटेंस कंप्लीट कर लेना। दूसरा सेंटेंस भी आपको कंप्लीट करना है। लास्ट के वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, लॉन्गिंग इन वेन आपको बुक से कंप्लीट करनी है ये लाइंस। और फिर नेक्स्ट टू लाइंस, I can't help owning ये लाइन हो गई। नेक्स्ट लाइन और लास्ट में आपकी लाइन के अंत में है out of their pain। ये आंसर कंप्लीट हुआ। आपको बुक से ये फोर लाइंस कंप्लीट करनी है। अब बुक वाले जो क्वेश्चन हैं वो हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स अपन लिख रहे हैं और उसका आंसर भी लिखेंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट वर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल
what were the different kinds of articles, different kinds of articles for sale at the roadside stand, for sale at the roadside stand. देखो रोड साइड स्टैंड पे बिक्री के लिए उन्होंने दो चीजें रख रखी थी, एक तो बेरीज रख रखे थे वाइल्ड और एक गार्ड रख रखे थे, और उसके साथ ही उन्होंने सीनरी भी बना रखी थी. इन चीजों का हम मेंशन कर देते हैं आंसर में. द मैन एट द रोड साइड स्टैंड, द मैन एट द रोड साइड स्टैंड, roadside stand were selling wild berries and golden guards. At the roadside stand. They were also offering a peaceful and beautiful scene in the lap of nature. ये क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ हो गया. क्वेश्चन सेवन लास्ट क्वेश्चन, जो अपन को क्वेश्चन भी लिखना है और उसका आंसर भी लिखना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी. क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट डज द पोइट वांट टू डिस्क्राइब थ्रू द पोइम. क्वेश्चन नंबर सेवन, What does the poet want to describe? The poet want to describe through the poem. A roadside stand के माध्यम से कवि क्या दिखाना चाहता है, क्या वर्णन करना चाहता है. देखो इसमें कवि वर्णन करना चाहता है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के प्रति जो नेगेटिव नजरिया है शहरी लोगों का वो, और दूसरा इनकी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मिजरेबल कंडीशन को दर्शाना चाह रहा है, और उसके साथ ही सरकार और अमीर लोगों को कहना चाह रहा है कि उनके स्टेटस को भी सुधारा जाए. लिखो आंसर में.
द पोइट वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब द डिफरेंस. द पोइट वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब द डिफरेंस. डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड बिटवीन सिटी लाइफ एंड रूरल लाइफ. शहर के जीवन में और गांव के जीवन में. ही डिस्क्राइब द इनडिफरेंट बिहेवियर. He describes the indifferent उदासीन behavior. Indifferent behavior of city people towards the rural people. Of city people towards the rural people. He wants to say वह कहना चाहता है. He wants to say that the government should try to improve. Should try to improve should try to improve the living standard. Standard of the villages. Villages या rural people. ये poem के questions हो गए total. और इसका एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है स्टेंजिया वाला, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.